उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने के बाद हुई तबाही को देखते हुए यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में बांध टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। उन्होंने पूरी नजर रखने के अलावा SDRF को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। बिजनौर से लेकर बलिया तक गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को भी पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऋषि गंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के डैम का हिस्सा टूटने के बाद उत्तराखंड में मची तबाही का कोई भी पूर्वानुमान नहीं था। इसकी बजाय नेपाल में झील फटने की आशंका एक दिन पहले ही जता दी गई थी। नेपाल के कंचनपुर जिला प्रशासन की ओर से इसकी सूचना यूपी के लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले को भी भेजी गई थी, क्योंकि नेपाल की यह नदी महाकाली नदी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल की ओर से भेजी गई सूचना में सतर्कता बरतने को कहा गया था। इसके बाद लखीमपुर खीरी प्रशासन ने शारदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया था। कांग्रेस के गढ़ में अब अपनी ही पार्टी के खिलाफ पदाधिकारी और विधायक बागी तेवर अपनाते नजर आ रहे हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने सांसद सोनिया गांधी पर तंज कसा है। अदिति सिंह ने सोनिया गांधी पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव में नामांकन होने के बाद से वह एक या दो बार ही रायबरेली में आम जनता से मुलाकात करने आई है। इसके बाद उन्होंने अपने जिले की जनता से कभी भी मुलाकात करने की कोशिश तक नहीं की है, न ही वह किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई है। अदिति सिंह ने यह भी कहा कि अगर कोई जनता आपको वोट देकर चुनती है तो उस जनता की आपको प्रत्येक तरीके से मदद और मुलाकात करते रहना चाहिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। वाराणसी में सीएम योगी ने जिले में संचालित 9175 करोड़ के विकास कार्यों की समीक्षा की। इन परियोजनाओं में 1500 करोड़ से ज्यादा के 52 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मार्च तक पूरे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि मार्च के बाद पीएम मोदी वाराणसी को इन प्रोजेक्ट्स की सौगात दे सकते हैं। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने इन सभी प्रोजेक्ट्स की प्रगति रिपोर्ट जानी और पूरा कराने के निर्देश भी जारी किए। इन 52 प्रोजेक्ट्स में से 137.87 करोड़ की लागत की 10 परियोजनाएं जनवरी महीने में पूरी हो चुकी हैं, जबकि 201.69 करोड़ की परियोजनाएं 14 परियोजनाएं फरवरी के अंत तक पूरी हो जाएंगी। बाकी बची 28 परियोजनाओं की डेडलाइन मार्च रखी गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक के चुनाव के लिए सियासी दल वोटों की गणित के हिसाब से उम्मीदवारों की तलाश में कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाने में लग गए हैं। सभी दलों का एक ही संदेश है, वह पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुटें और गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों के साथ कार्यक्रमों से लोगों को जोड़ें। दूसरे दलों के ऊपर सियासी तीर चलाने के दांव पेच भी सिखाए जा रहे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी दल नीतियों और योजनाओं के मुद्दे पर लोगों के बीच जा रहे हैं।